गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम दीपक सोनी, आई एम योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 6 इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में डिस्कस किया था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर टॉपिक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। सब्सटेंस विच हैज वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, वो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है एंड कैच फायर क्विकली आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। मतलब वो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है एज वेल एज दे कैच फायर क्विकली, बहुत जल्दी क्विक कैच फायर या आग लग जाती है जिन सब्सटेंस में, उनको क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल केरोसिन, पेट्रोल, ठीक है, केरोसिन, पेट्रोल, ठीक है, डीजल, एलपीजी एक्सेट्रा आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। समटाइम्स इवन ए मिरर सिलेंडर कैन इग्नाइट द वेपर्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एयर। समटाइम्स क्या होता है कि माइनर सिलेंडर जो होते हैं कैन इग्नाइट द वेपर ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एयर। हेंस टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट इनफ्लेमेबल सब्सटेंस नीड टू स्टोर केयरफुली। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के लिए क्या होता है, हमको इनको प्रॉपरली स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्टोर इनको केयरफुली करते हैं, बिकॉज अगर इसको प्रॉपरली हम लोग क्या कर नहीं करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट, नहीं तो क्या होगा, कोई एक्सीडेंट ऑकर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं वो जब भी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएंगे उससे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो वी शुड नॉट कैरी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस विद अस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इसलिए इनफ्लेमेबल सब्सटेंस को हम लोग कैरी नहीं करते हैं, बिकॉज वहां पर अगर एक्सीडेंट होगा तो लॉट्स ऑफ डैमेज हो सकता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, रेल, ठीक है, ट्रेन, बस, ठीक है, उसके बाद एरोप्लेन, ठीक है, तो जो भी और जितने भी यहाँ पे होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनमें हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस को कैरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है कंट्रोल ऑफ फायर। आप फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट हम लोग फायर को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ए फायर। ठीक है, एक्सटिंग्विशिंग ए फायर। समटाइम फायर बिकम्स अनकंट्रोलेबल। समटाइम्स क्या होती है, जो फायर होती है वो अनकंट्रोलेबल होती है एंड कॉजेज ए ग्रेट डिस्ट्रक्शन टू लाइफ। समटाइम्स जब हम आग को क्या करते हैं, अनकंट्रोल कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्या होता है, उससे ग्रेट डिस्ट्रक्शन हो सकता है ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी। उससे लाइफ का भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है एज वेल एज प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रक्शन होता है। एवरी सिटी हैज ए फायर स्टेशन। एवरी सिटी में क्या होते हैं, फायर स्टेशन होते हैं, इक्विपमेंट विथ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। जो भी फायर स्टेशन होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, फर्स्ट वन इज फायर फिटिंग फाइटिंग इक्विपमेंट। द फायर फाइटिंग टर्स आर यूज वाटर एंड फायर एक्सटिंग्विशर टू एक्सटिंग्विश द फायर। मींस जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, वाटर एज वेल एज फायर एक्सटिंग्विशर टू कंट्रोल द फायर। यू स्टडी द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्टन ऑफ फ्यूल। फ्यूल ऑफ कंबस्टन के लिए कौन कौन सी कंडीशन नीडेड होती है, इफ एनी ऑफ दोज कंडीशन आर नॉट मीट द फायर वुड बी एक्सटिंग्विश। मीन्स अगर आग को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो आग क्या हो सकती है, हम आग को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है रिमूव कंबस्टिबल मटेरियल। रिमूव द कंबस्टिबल मटेरियल, कौन कौन से होते हैं कंबस्टिबल मटेरियल, दिस मे बी प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इफ एट कंबस्टिबल मेटल इज ऑलरेडी बर्निंग। जो कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं अगर वो ऑलरेडी बर्न हो जाए, कौन कौन से होते हैं कंबस्टिबल मटेरियल, पेट्रोल, डीजल, कोल, ठीक है, दीज आर कंबस्टिबल मटेरियल। अदर कंबस्टिबल मटेरियल कैन बी रिमूव फ्रॉम
विसिनिटी ऑफ फायर टू प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग, मतलब कि कम्बस्टिबल मटेरियल को हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, इजिली रिमूव नहीं कर सकते हैं फ्रॉम विक्टिनिटी ऑफ फायर, जहां पे फायर है अगर वहां से हम लोग कम्बस्टिबल मटेरियल को रिमूव कर देंगे, दैट्स टू प्रिवेंट द फायर स्प्रेडिंग इन डिफरेंट प्लेसेस, रिड्यूस द टेम्परेचर बिलो द इग्निशन ऑफ कम्बस्टिबल सब्सटेंस, दिस इज कैन बी डन बाय पोरिंग वाटर ओवर द फायर। अगर हम लोग क्या करेंगे, जो आग जल रही है उसके ऊपर अगर हम लोग फायर्स को क्या कर देंगे, पोर कर देंगे या फिर पानी को डाल देंगे, उससे क्या होगा, हम लोग इग्निशन ऑफ या फायर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हाउएवर पोरिंग वाटर इज नॉट रिकमेंडेड, वाटर की नॉट रिकमेंडेड इन सर्टेन टाइप्स ऑफ फायर, कुछ ऐसे फायर्स होते हैं जहां पे कि वाटर को, वाटर भी वहां पे हम उसको के थ्रू हम लोग फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक फायर पोरिंग वाटर मे बी रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक के केस में हम वाटर को क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते। इन फायर इन्वॉल्विंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल सच एज पेट्रोल डीजल केरोसिन, दिस फायर मे बी एक्चुअली स्प्रेड इन मोर वाटर इज पोर, जब भी पेट्रोल डीजल और केरोसिन के केस की बात होते हैं, अगर फायर होता है तो ये क्या होते हैं, जब भी हम वाटर की क्वांटिटी को स्प्रेड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे स्प्रेड आउट इज मोर इन वाटर पोर, जब भी पानी इसके ऊपर डालेंगे क्या होने लगेगा, ये और ज्यादा फैल सकते हैं। दीज फ्यूल्स आर लाइटर देन वाटर, ये फ्यूल जो होते हैं वाटर से लाइटर होते हैं, एंड हेंस वुड फ्लोट ऑन वाटर एंड स्प्रेड, मीन्स जो पेट्रोल डीजल केरोसिन These combustible substances are lighter as compared to water, so they are float on water and spread out. Cut off air supply, this can be done by pouring sand, means हमको अगर air की supply को क्या करना है, cut off करना है, तो उसके लिए क्या use करेंगे, pouring sand or water over the fire, या तो fire के ऊपर sand हम लोग क्या करते हैं, pour कर सकते हैं या फिर water pour करेंगे। सैंड कवर कैन कम्बस्टेबल सब्सटेंस एंड कट ऑफ द एयर सप्लाई, इससे क्या होगी, सैंड और सैंड द कम्बस्टेबल सब्सटेंस एंड कट ऑफ द एयर सप्लाई, इससे क्या हो जाएगी, एयर की प्रॉपर सप्लाई जब फायर को नहीं मिलेगी तो क्या हो सकता है, फायर स्टॉप हो सकती है। वाटर इवोपरेट ऑन हीटिंग एंड वाटर वेपरिंग सराउंडेड द कम्बस्टेबल सब्सटेंस एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, मतलब कि जब भी हम वाटर वेपर अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, कम्बस्टिबल सब्सटेंस के ऊपर, सो दैट्स ऑफ कट ऑफ द एयर इन द फायर सब्सटेंस। एयर कैन ऑल्सो बी कट ऑफ द डायरेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द फॉर्म ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग कौन सी कम सब्सटेंस का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और फॉर्म फ्रॉम फायर एक्सटिंग्विशर टू फायर, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर एक्सटिंग्विशर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड पेट्रोल फायर, इलेक्ट्रिकल और पेट्रोल फायर से हम लोग किसके थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं एयर की सप्लाई को, थ्रू फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें कौन सी गैस का यूज करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई को स्टॉप कर देगी। फायर एक्सटिंग्विशर, द रेड कलर सिलेंडर यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, रेड कलर के जो सिलेंडर्स होते हैं उनको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। आइदर हैव कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसमें कौन सी गैस फिल्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, किस पे, हायर प्रेशर पे, और हैव स्टोर्ड केमिकल दैट रिएक्ट टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें हम लोग हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल्ड करते हैं टू रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इससे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज रिएक्ट करती है, ठीक है। आप कौन कौन से यूज करते हैं, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर में, इट कंटेन सैंड एंड बेकिंग सोडा, जो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें क्या क्या कंटेन होता है, इट कंटेन सैंड एंड बेकिंग सोडा, व्हेन दिस मिक्सचर इज थ्रोन ओवर द फायर, जब इस मिक्सचर को फायर के ऊपर थ्रोन करते हैं या फिर ऊपर अप्लाई करते हैं तो बेकिंग सोडा डिकम्पोज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इथ एक्सटिंग्विशर टू फायर, और इससे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू एयर को कट ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट वन है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, इट कंसिस्ट ए स्मॉल ग्लास बोतल फिल्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज करते हैं, स्मॉल ग्लास
बॉटल सिलेंडर वॉटर फिल्ड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, इट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग वेसल कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। ऑन स्ट्राइकिंग द नोब द एसिड बोटल ब्रेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड द एक्शन ऑफ एसिड बाय ऑन बेकिंग सोडा, इससे क्या होने लगती है, हम अगर नोब को क्या करते हैं ओपन करते हैं तो नोब को ओपन करेंगे एंड एसिड बोटल ब्रेक द कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन बेकिंग सोडा, एसिड बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू वाटर की सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, और ऑक्सीजन की सप्लाई जब प्रॉपरली स्टॉप होगी तो फायर एक्सटिंग्विशर से फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर इन द सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, इसमें किसका सॉल्यूशन होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट इज टेकन इन ग्लास बोटल इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ग्लास बोटल में सल्फ्यूरिक स्टेट के प्लेस पे क्या रहता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, इट रिलीज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडेड द बर्निंग सब्सटेंस एंड कट ऑफ द एयर सप्लाई, दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर स्पेशली यूज एक्सटिंग्विश ऑफ ऑयल फायर, ऑयल फायर से बचाने के लिए हम लोग फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। जैसे ड्राई पाउडर देख सकते हैं, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर है, ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर है और ये है हमारा फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर। सो दिस इज सफिशियंट फॉर टूडेज क्लास, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू सो मच।